कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, वहाँ के लोगों ने कांग्रेस के उसमें मतदान जो किया उम्मीद से ज्यादा बड़ी आनंद दिया है। जैसे वहाँ के नेता उम्मीद कर रहे थे भाई 120 125 के करीब आएंगे, 136 सीट आई है, आपस अपने आप में रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल 30 साल तक अभी इतनी सीट किसी की नहीं आई जो वहाँ आई। देखिए, उसका उसका इम्पैक्ट जो है कर्नाटक का पूरे देश में पड़ेगा। कर्नाटक जो है वो एक ट्रेंड सेटर प्रदेश है। जब भी परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन जो चला है देश में राजनीति, तो कर्नाटक से स्टार्ट हुआ है, ट्रेंड स्टेट सेट करता हुआ कर्नाटक। 2024 में जो केंद्र में भी और हरियाणा में चुनाव होगी, तो किस तरह हरियाणा के लोगों ने मन बना रखा है? 36 बरादरी है, कौन सी सरकार बनेगी 2024? बीजेपी ये दावा कर रही है कि जिस तरह से विकास कार्य हो गया प्रदेश में, तो तीसरी बार दावा तो कर्नाटक में भी हो रहा है। मुख्यमंत्री सदन संवाद कर रहे हैं, वहाँ किसानों बैठे थे, किसानों को लाठीचार्ज हुआ, बड़ा निंदनीय है। मुख्यमंत्री सबकी बात सुननी चाहिए भाई। मैं कई दफा कह चुका हूँ, प्रजातंत्र में सरकार संवाद से और समाधान से चलते हैं, लाठी और गोली से नहीं चलते हैं। आपका हाथ से हाथ जोड़ो तो चल रहा है, अच्छा है उसका, बहुत अच्छा है सर। वही जो है सर, उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं और मैं की राजनीति नहीं चलेगी, इसमें सबको एक साथ पे आना। हाँ, उनको समझना चाहिए इस बात, सभी को समझना चाहिए कांग्रेस की राजनीति है, मैं से नहीं चलती है। तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी?